दिल्ली की कैबिनेट मंत्री आतिशी को अब विजिलेंस और सर्विसेज डिपार्टमेंट का जिम्मा मिल गया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के प्रस्ताव को LGVK सक्सेना से मंजूरी मिलने के बाद सोमवार को नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। इस साल मार्च में पहली बार दिल्ली सरकार की मंत्री बनी आतिशी की जिम्मेदारी लगातार बढ़ाई जा रही है। 5 महीने में उनके हवाले 14 विभाग किए जा चुके हैं। आतिशी की तुलना अब मनीष सिसोदिया से हो रही है, जिन्हें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 18 विभागों का जिम्मा सौंपा था। मुख्यमंत्री रहे सिसोदिया को अरविंद केजरीवाल का दायां हाथ भी कहा जाता था। केजरीवाल ने 8 अगस्त आतिशी को जिम्मेदारी बढ़ाने का फैसला करते हुए LG के पास प्रस्ताव भेजा था। इस फैसले के तहत मंत्री सौरभ भारद्वाज से विजिलेंस और सर्विसेज का जिम्मा लेकर आतिशी को सौंपा गया। LGVK सक्सेना ने मुख्यमंत्री की सलाह के बाद दोनों विभाग आतिशी को सौंप दिए हैं। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डेवलपमेंट की ओर से नोटिफिकेशन जारी किए जाने के बाद अब आधिकारिक रूप से दोनों विभाग आतिशी के पास चले गए हैं। 8 अगस्त को भेजे गए प्रस्ताव पर LG ने 12 अगस्त को मोहर लगाई है। बता दें, 2 नए विभाग के अलावा आतिशी के पास 12 अन्य विभाग हैं, जिनमें शिक्षा, वित्त, राजस्व, पब्लिक वर्कर्स डिपार्टमेंट, पावर, टूरिज्म और प्लानिंग आदि शामिल हैं। गौरतलब है कि आतिशी से पहले शिक्षा, वित्त जैसे महत्वपूर्ण विभाग मनीष सिसोदिया के पास थे। आम आदमी पार्टी के दूसरे सबसे बड़े नेता माने जाने वाले सिसोदिया शराब घोटाले में लगे आरोपों की वजह से जेल में हैं। फरवरी के अंत में गिरफ्तारी के बाद सिसोदिया ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। सिसोदिया के साथ ही सत्येंद्र जैन ने भी इस्तीफा दे दिया था, जो कि अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य मंत्री थे। सिसोदिया की तरह जैन ने जेल में रहते हुए ही इस्तीफा दिया था। अब ऐसे में कयास ये लगाए जा रहे हैं कि केजरीवाल ने सौरभ भारद्वाज को केंद्र सरकार से घिरता देख सारी जिम्मेदारी आतिशी को सौंप दी है। अब जल्द ही केंद्र सरकार सौरभ भारद्वाज के खिलाफ भी एक्शन लेने वाली है। दरअसल आपको बता दें, इससे पहले सौरभ भारद्वाज का नाम काफी चर्चा में रहा था। जब कोर्ट से अध्यादेश पर दिल्ली सरकार को पावर मिली थी, तो उसका गलत फायदा उठाकर सौरभ भारद्वाज ने विजिलेंस विभाग में काफी अधिकारियों के खिलाफ गलत भाषा का इस्तेमाल करते हुए और धमकाते हुए दिखाई दिए थे।